السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما إمام بخاري رحمه الله كي مشهور ومعروف كتاب الأدب المفرد جو آداب و سلوك بدي أهم كتاب اس كتاب كي تقريبا ستاليس أبواب 47 ابو अब अब हम लोगों ने इससे पहले पढ़ने और समझने की कोशिश की अल्लाह ताला उस कोशिश को कबूल फरमाए और इन अहदीत पर जो हमने पढ़ा है हमें अमल करने की तौफ़ीक बख्शे आमीन तो कब्र बिलान आज का सबक है बाबुन मंदअ साहिब ही अक्सर व कि ये बाब है इस बात के बयान करने में कि जिसने अपने साथी के लिए ये दुआ की كَلَّا إسكيمال میں مي إذا دے قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنا سم فقال جعله عن يميني ثم صلى بنا ثم دعا لنا على البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله، دمك ود الله له، فدعا لي بكل خير، كان في آخر دعائه أن قال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له. أنس بن مالك الله تعالى

और मेरी माँ व उम्म हराम और उम्मे हराम नाम था कुरियत ख़ालती जो कि मेरी खाला थी गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए तीन लोग मौजूद हैं अन उनकी वालदा और उनकी खाला उम्मे हराम इस दखल अल नबी करीम आए हमारे पास फकाल और हमसे कहा अला वसली बी कुम क्या मैं तुम लोगों को नमाज ना पढ़ा दूँ वदा का फी गैर वक्त सलातिन हालांकि इस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं था यानी कोई फ़र्द नमाज का वक्त नहीं था الله کے نبی صلی اللہ وسلم نے اس کے باوجود کہا کہ کیا میں تم, کو، تم لوگوں کو نماز نہ پڑھا دوں؟ فقال رجل من القوم فأين جعل أنس من تو أنس الله تعالى أن سے آپ دیکھیں سنت کے اندر، کون کر رہا؟ ثابت ان ثابت ان أنس ملیا ٹکڑا سند तो बयान कर रहे थे तो साबित के जो शागि थे जब यह हदीस सुना कि अल्लाह के वसल्लम ने इन लोगों को कहा कि क्या मैं तुम लोगों को नमाज ना पढ़ा दूं तो शागिर्दों में से एक ने पूछा कहा खड़ा किया अब इसको देखिएगा कि दो औरतें हैं एक बच्चा हज़रत अनस छोटे थे और नबी वसल्लम जाहिर इमाम आगे खड़ा होगा औरतें पीछे खड़ी होंगी रहा मामला अनस का इनको कहाँ खड़ा किया वो असल एक मसला जानना चाहते थे कि अगर छोटा बच्चा है इमाम है छोटा बच्चा है और औरतें हैं तो इस छोटे बच्चे की सफ़ कहाँ लगेगी ये मर्दों में शुमार होगा बड़ों के एतवास की सफ लगेगी या फिर औरतों के साथ खड़ा कर दिया या बच्चों के सब अलग कर दी जाएगी तो इसलिए उन्होंने सवाल किया ने जब जमात के साथ नमाज पढ़ाई तो अनस को कहाँ खड़ा किया जवाब मिला नबी ने उनको अपने दाहिनी जानब खड़ा किया तुम फिर आपने हमें नमाज पढ़ाई तुम फिर हमारे लिए आपने दुआ किया अहल आहल वही उसकी तोजीह है कि हमारे लिए दुआ किया या यानी घर वालों के लिए दुआ किया बिकुल खैर मिन खैर दुनिया वाला आखिर किस चीज़ के दुआ किया दुनिया व आखरत की तमाम तर भलाई की खैर के दुआ किया कि ये भी दुनिया में भी मिले आखरत भी में मिले दुनिया दोनों के लिए ला के नबी पूरे घर वालों के लिए दुआ किया फ़कालत उम्मी फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने एक फरमाया रसोल अल्लाह के रसूल खोद का आपका एक छोटा सा खादिम है ख्वाद खादिम के तस्गीर खादिम, ख्वादिन छोटा खादिम। तो खादिमो का आपका छोटा खादिम है उ उसके लिए आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए फरमाते हैं हजरत अनस सल्लल्लाहु taala अन फदाली बिकुल खैरीन तो मेरे लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर की दुआ की हर भलाई की दुआ की क्या नफ़ी आखरी दुआएह आपकी दुआ का आखिरी हिस्सा जो था वो ये अन के आपने फरमाया اللهم मालहू व्ल इनके माल और इनके औलाद में कसरत पैदा फरमा दे कसैिर तादाद में इनके औलाद हो कसीर मकदार में इनके माल हों वह और इस इनके लिए बरकतों का नजूल फरमा अन साल अनहों के लिए ख़ुसूसी दुआ अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने की यही जो हमारा बाब है कि इंसान अपने साथी के लिए दो माल में ज्यादती औलाद की ज़्यादती के लिए दुआ करे इजाफ़े की दुआ करे इसी टुकड़े से उससे मुताबिकत होती है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अपने साथी तआला तहों के लिए उनके माल में कसरत और उनकी औलाद में कसरत के दुआ की और बरकत के दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा अल्लाह ने अनु को बहुत नवाजा तकरीबन नाइन्टी नाइन के आस पास इनका इंतकाल होता है कुछ अख्तिलाफ़ सन को लेकर के 99 हिजरी में या कुछ आगे पीछे इनका इंतकाल होता है गोया कि नबी कर वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन नब्बे साल तक के बायात थे और इनके बारे में लिखा गया इस दुआ का देखिए दुआ कबूल हुई कितना अल्लाह ने नवाजा कहा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन अपनी औलाद या अपने पोते वग़ैरह में से यानी अपनी ज़रूरीत औलाद हो या पोता हो पोतियाँ हों अपनी जिंदगी में तकरीबन एक सौ उनतीस औलाद को दफनाया है इन्होंने इतनी औलाद थी ताउन की बीमारी आई थी तकरीबन अस्सी औलाद उसमें उनकी इंतकाल की गई तो अल्लाह अल्लाह के नबी वसलम ने दुआ की थी औलाद में कसरत की दुआ एक सौ उनतीस टोटल लेकिन अस्सी ताउन की बीमारी में ताउन की जो बीमारी आई थी उसमें अस्सी औलाद इनके इंतकाल की गई थी तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में माल की कसरत औलाद की कसरत की दुआ फरमाई अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और उसको इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा भी एक बात ये मालूम हुई कि माल में कसरत की दुआ करना ये दीन के ख़िलाफ़ नहीं जैसे एक तसव्वुफ का जो अक़ीदा है जो तरीक़ा है सूफियत का उनके यहाँ दुनिया कमाना मायूब समझा जाता है माल कमाना मायूस समझा जाता है मालदार होना इसको ऐब समझा जाता है अगर ये ऐब होता तो क्या अल्लाह के नबी अपने सहाबी के लिए माल में कसरत की दुआ करते नहीं तो माल के कसरत के लिए दुआ करना कमाने की कोशिश करना ये कोई ऐप की बात नहीं है ऐप की बात कब है जब उसका सही इस्तेमाल ना हो या माल कमाने में माल जमा करने में इस क़दर इंसान मसरूफ़ हो जाए कि अल्लाह को फरामोश कर दे तब तो वाकयतन ये माल इंसान के लिए अजाब हो जाता है और अगर अल्लाह को नहीं फरामोश करता अल्लाह के अहकाम उसे याद रहते हैं आखरत को नहीं भूलता तो ये माल उसके लिए रहमत है ढेर सारी नेकियां कमाने का ज़रिया है माल के ज़रिया से इंसान बहुत नेकियां कमा सकता है तो माल कमाना ये कोई ऐप की बात नहीं है माल रखना भी ऐप की बात नहीं बस इसकी वजह से अगर हमने उस माल के खर्च करने के जो तरीके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं अगर हमने उस तरीके से उसको ख़र्च नहीं किया तब ये गुनाह है ये अदाब है या फिर उसकी वजह से हम जो है अल्लाह को फरामोश कर गए तब ये हमारे लिए अदाब है अब है हम ऐब की बात तो छोड़ें हम सीधा अजाब की बात करते हैं अगर ये माल हमें आख़रत को भुलवा दे अल्लाह को फरामोश करा दे तो ये ऐब नहीं बल्कि अजाब है लेकिन अगर इंसान मालदार है अल्लाह को याद रखता है अल्लाह के अहकाम का ख़्याल रखता है आखरत को फरामोश नहीं करता है माल की वजह से गुरुल घमन तकबू उसके पास नहीं आता है तो बिल्कुल ऐब नहीं बल्कि ये अल्लाह की रहमत है इसके वजह से बहुत सारी निकियाँ कमा लेता तो ये आय नहीं दूसरी बात इस हदीस को आप पढ़ें एक बात तो ये सामने आई कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने इनके लिए जो नफली नमाज की जमात करवाई इससे पता ये चलता है कि नफिल नमाज जमात के साथ पढ़ी जा सकती है यानी सिर्फ फर्द नमाज याद तरावी की नमाज तक लोगों का तस्वर है उसके अलावा भी नफिल नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं दूसरी बात अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए कितने शफ़ीक थे कितने रहमदिल थे दिगर साहब कराम के साथ भी इसी तरह का रवैया लेकिन ये जो फ़ैमिली थी ये कुछ ख़ास करीबी थे अंसारी फैमिली है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ख़ास थे आपने सुना होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत अनस की वालदा अनस को पकड़े हुए लेकर आ गई अल्लाह के नबी ये आप के लिए ये आपकी खिदमत करेगा अपनी औलाद दे दिया खिदमत करे तो इस तरीके से कुछ ख़ास लगाव है और इसकी पसमंज़र में जाएंगे तो बहुत अहम अहम चीज़ें मिलती तो बहरहाल इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बाकायदा नमाज़ पढ़ाया और उसके बाद दुआएं की खूब दुआएं की हर हर भलाई के लिए दुआ की पता यह चला कि हमें एक दूसरों को जो है दुआओं से नवाजते रहना चाहिए जब मौका मिले तब दुआओं से नवाजें यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही किया और एक बात ये कि माँ की तड़प दरा देखिए भाई जब दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो खुद हजरत अनस वजाहत फरमाते हैं लना हमारे लिए दुआ किया तो आगे क्या कहा बैत पूरे घर वालों ने दुआ किया ना तो उस पूरे घर में हजरत अनस शामिल थे कि नहीं शामिल थे शामिल थे लेकिन उनकी वालदा कहते हैं अल्लाह अल्लाह के नबी ये आपका छोटा खातिम इसके लिए दुआ कर दीजिए माँ है अपने बच्चे के लिए खसूसी दुआ करवा ली हालांकि पहली दुआ में वो शामिल थे इस, इसको कहते हैं माँ वो कुछ अलग ही सोचती रहती अपने लिए नहीं दुआ कराई अपनी औलाद के लिए दुआ कराई यानी हर हर मामले में आप देखेंगे वालदा अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं अपना खाने की पीने का मसला है पहले बच्चे पहनने का मसला है पहले बच्चे रहने सोने का मसला है पहले बच्चे कहीं आने जाने का मसला है पहले बच्चे अब यहां देखिए दुआ का मामला है पहले बच्चे वो तो सिर्फ आखिरत है जहां नफसी नफसी का आलम होगा कि भाई सबका मामला अजीब होगा वहां किसी को इख्तियार भी ना होगा वरना शायद अगर माँ को वहां भी इख्तियार दिया जाता वो भी कहती पहले इनको जन्नत ले जाओ मुझे बाद में लाना लेकिन अल्लाह ताला वहाँ वहां एकदम इंसाफ कर दिया इस मामले में कोई मुरुवत नहीं रखा किसी के दिल में क्योंकि जो जाना नहीं चाहेगा तो पीछे उसके लिए खतरनाक मामला है तो हर मामले में हमें माँ की कुर्बानी दिखती तो जब कोई शख्स अपने माँ को किसी भी एतबार से तकलीफ़ पहुँचाता है तो फिर हमें तकलीफ़ होनी चाहिए वो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं तो क्या हुआ लेकिन जब भी हम सुनते हैं कि फलाने ने अपने माँ को इस तरह बात कर दी ये कर दिया ख्याल नहीं रखता सिर्फ अपने में पड़ा हुआ है तो फिर हमें तकलीफ़ पहुँचना चाहिए कि ज़िंदगी भर उसने कुर्बानी अपनी औलाद के लिए दी है और ये ये उसका बेटा बड़ा होने के बाद उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करता जो चाहता है बोल देता है तो बहरहाल यहाँ एक बात ये मालूम हुई कि माँ हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है इसी तरीके तो मसला भी साबित हुआ कि अगर छोटा बच्चा है बच्चा यानी तमीज़ है उसको सिन तमीज़ को पहुँच चुका है जिसमें सही गलत का फ़ैसला कर सकता है वो क्या सही है क्या गलत तो ऐसी सूरत में वो उसकी सफ़ ऐन मर्दों के सफ़ के बराबर लगेगी उसको पीछे नहीं ढकेला जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहाँ खड़ा किया अपने बगल में ये वही जगह है कि अगर कोई बालि या बड़ा कोई मर्द होता बड़ी उम्र वाला होता वो भी उसी जगह खड़ा होता जहाँ अल्लाह के नबी ने हजरत अनस को खड़ा किया इन्हें अल्लाह के नबी के साथ कोई एक मर्द होते जो बड़ी उम्र के थे और औरतें होती तो गोया कि इमाम के साथ एक ही मुक्तदी मर्दे में से है तो उसको बगल में खड़ा करना था तो वो उसी मकाम पर हजरत अनस को जब भी बच्चे थे अल्लाह के नबी ने अपने बगल में खड़ा किया ये दलील है कि छोटे बच्चों को पीछे नहीं ढकेला जाएगा जहां वो पहुंचेंगे वो उनका हक बनता है पहली सब में वो पहुंच जाते हैं और नमाज पढ़ने का सलीका है बैठने का सलीका है शरारत नहीं करते तो उनका हक है उनको आप पीछे नहीं कर सकते बहुत सारे मसाजिद में आप देखिए कुछ लोग बेचारे इसी में लगे रहते जैसे वो मतलब निगरानी में लगे रहते हैं कोई बच्चा आगे तो नहीं जा रहा है वो रेरे बेचारे इमाम परेशान रहते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही तो उस वक्त तो उनको खुद अपनी सब दुरुस्त करना चाहिए वो बच्चों के पीछे पड़े इधर एकामत हो रही अपनी सब दुरुस्त करने के बजाय पीछे देखते रहते हैं कोई बच्चा शामिल तो नहीं हुआ अरे भाई वो अगर सफों के दरमियान आ जाते हैं तो अलहमदल थोड़ा सुकून से वो भी खड़े रहते हैं है कि नहीं और जब उनको आप आजाद छोड़ दोगे एक तो बच्चे हैं नासमझ है दो सफे शैतान उन्ही से आवाज़ मस्जिद में फिर गूंजती फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे सलाम फेरे कुछ लोग हर मस्जिद में हुआ करते हैं पीछे पलट के कौन किसने आवाज़ किया वो बच्चे बड़े शाद वो सब सीख जाते हैं ना क्या करना है सलाम फेरती बाहर <laughs> आप ढूंढते रहो किसने शरारत किया तो क्यों हम ऐसा माहौल बनाते हैं ये शरीयत हमें बदलाती है बच्चों को हम अलग नहीं करेंगे हाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको भी नमाज पढ़ने का सलीका नहीं वो इधर उधर करेंगे तो थोड़ा सा उनको किनारे कर दीजिए पेरेंट्स को कि उनको किनारे लेके उसको खड़े हो जाएं ताकि नमाज में डिस्टर्ब ना हो सब लोग इत्मीनान से नमाज पढ़ लें और वैसे भी अगर थोड़ा खेल हो तो क्या हो गया हाँ अब जब हम पढ़ते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हज़रत हसन आ जाते हैं हुसैन आ जाते हैं आपकी नवासी आ जाती हैं पीठ पे चढ़ जाती हैं, नमाज हो रही है ना वो तो मासूम है इसको ऐसे समझिए से बिल्ली है बिल्ली उछलती है कूदती है उसके आने जाने समय नमाज खराब हो जाती है नहीं होगी ना बड़े मासूम होते बच्चे तो अलैहि वसल्लम ने इनको अपने बगल में खड़ा करके पैगाम दिया कि बच्चों को पीछे ढकेलने की जरूरत नहीं वो मर्दों के साथ हैं बड़ों बड़े, बड़े मर्दों के साथ बड़ी उम्र के मर्दों के साथ हैं और उनको जहां मौका मिलेगा वहां वो खड़े होंगे बशर्ते कि थोड़ा तमीज़ होनी चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को सिखलाते रहना चाहिए तो इससे पता चला एक अहम बात वो ये कि हमें और आपको भी एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए कौन सी दुआ अल्लाह अखसर फीमाल ही होगा या फीमाल ही या माँ लहो दोनों हो सकता है अल्लाह अखसर माँ लो वाल व वा बारिक ल तो इस तरीके से अपने लिए अपने साथियों के लिए दुआ करते रहना चाहिए ये असल मैं आना चाहता हूँ अल्लाह के नबी ने किया हजरत अनस के लिए किया अलहमदिल्ल तो क्या हमें और आपको अपने साथियों के लिए दुआ नहीं करना चाहिए अगर हम दुआ करते हैं तो ज़रा ये देखें कि जिसके लिए हम दुआ करें माल की कसरत की दुआ कर रहे क्या कभी उससे हमें हसद हो सकती है भाई हमने भी दुआ किया है ना अल्लाह ने कबूल कर लिया जिसके लिए हम कसरत माल की दुआ कर रहे हैं तो गोया कि मुश्किल खैर खां हैं और उसके पास माल की कसरत हो जाएगी तो हमें हमें हसद उससे नहीं होगी तो ये दुआ करना चाहिए एक और फ़ायदा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करता है वो भाई मौजूद नहीं है और उसके लिए वो दुआ कर रहा है तो अल्लाह आलमीन एक फ़रिश्ते को मुतय्यन करता है जो उसकी दुआ पर आमीन कहता है यानी उस भाई ने अपने उस भाई के लिए दुआ किया है उस साथी के लिए दुआ किया है जो वहाँ मौजूद नहीं और उसको पता भी नहीं है कि मेरे बारे में कोई दुआ कर रहा है तो एक फरिश्ता इस दुआ पर आमीन कहता है और साथ ही उसी दुआ को इस दुआ करने वाले के लिए वो अल्लाह से करता है इस बंदे ने अपने भाई के लिए दुआ किया था जिसको वो भाई जानता भी नहीं है तो उसकी कबूलियत के लिए आमीन कहने के लिए फरिश्ता आया अल्लाह ने भेजा कितना अहम बात है कि अल्लाह ने के फरिशो जाओ आमीन कहो और दूसरा ये कि वही दुआ हमारे लिए एक ऐसी ज़ात करती है जिसको हम देख नहीं रहे हैं जिसको हम फरिश्तों को हम नहीं देख रहे हैं वही दुआ हमारे लिए वो कर रहे हैं उनकी आवाज़ को भी हम नहीं सुन रहे हैं और वो मासूम खता है गुनाहों से पाक साफ फरिश्ते हैं ना नेक साले हैं ना फरिश्ते वो हमारे लिए वही दुआ को पलटते हैं कि अल्लाह यही दुआ इनके हक में भी कबूल फरमा ले तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको जोड़ने वाली हैं हमारे दिलों को जोड़ने वाली हैंखत भाईचारगी और, भाई और मोहब्बत को परवान चढ़ाने वाली चीज़ें हैं तो हमें इस पर अमल करना चाहिए कि अपने लिए जहाँ दुआ करते हैं अपने भाइयों के लिए भी दुआ करें माल के सिलसिले में और औलाद के सिलसिले में भी और बरकत की दुआ करें अगर ऐसा करते हैं और हमारी दुआ भी कबूल होगी उस भाई के हक में और दूसरा ये कि वही दुआ फरिश्ते हमारे लिए करेंगे दूसरा बाब है अलवाल तो तुन माए रहम दिल होती माँ रहम दिल होती है ये तो एकदम आम सी बात जी قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابن فواله قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أن انس بن مالك قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهما فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعتت كل سبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما تعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها سبيها مشهور رواية أنس بن مالك الله تعالى أنه بيان فرماته جاءت امرأة कि एक औरत अम्मा आयशल्लहा के पास तशरीफ़ लाए तो अम्मा मरा आयशल्ह तह ने उस औरत को तीन खजूर दिए फ़ातक मोरचन तो उसने अपने दोनों बच्चों को एक एक खजूर दे दिया। व अम शक्तमरतन और अपने लिए एक खजूर को बाकी रखा फाय कलिया माँ बच्चों ने अपना अपना खा करके अम्मा की तरफ फिर देखने लगे फाय मदत इतम रौती फ़क्का था माँ समझ गई और उसने क्या किया उस एक खजूर को जो उसने अपने पास अपने लिए बाकी रखा था वो कि वो खाएगी

मैंने तीन खजूरें उनको दी, दो उन्होंने बच्चों में तकसीम कर दिया तीसरा बाकी रखा था अपने लिए कि बच्चों ने अपना खत्म करके माँ की जानब देखा तो माँ ने उस बचे हुए खजूर को भी दो हिस्से में तकसीम करके बच्चों के हवाले कर दिया, खुद कुछ ना खाया फ़क आपने जवाब दिया, हुआ माँ तो जीबो कि आयशा इस पर तुम्हें ताजुब करने की कौन सी बात है इस पर हैरान क्यों हो अल्लाह रब्लम आलमीन लक़द बेरहमत बिरहमतिहा सबीहा अपने बच्चों पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने भी उस पर रहम कर दिया है उस पर रहम कर दिया है तो ये रहमत का जज्बा है कि जिसकी वजह से कि माँ खाए ना खाए लेकिन बच्चों को आसूदा करना चाहती है सैराब करना चाहती है कि उनका पेट भर जाए ये वाक़ बज़ाहिर पढ़ना सुनना देखना ये बहुत सारी जगहों पर होता है लेकिन माँ का जो जज्बा है उसको बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं ऐसा नहीं कि आज इस तरह की चीज़ें वाकई नहीं होती हैं लेकिन इस चीज़ को महसूस करना कि माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर रही है भाई भूखी तो वो भी थी ना लेकिन उसने भी उस भूख की हालत में होने के बावजूद बच्चों को खिला दिया था लेकिन बच्चों ने सिर्फ निगाह माँ की जानब डाली ये चीज़ वो समझ जाती और रहम आ जाता है खुद नहीं खाया बच्चों को खिला दिया तो मैं आज भी और तकरीबन तमाम माँ का यही हाल हद तक मैं ये भी कहना चाहता हूँ वो दीनदार हो या ना हो अपने बच्चों के लिए उनके दिल में रहम का जज्बा हुआ करता है मुस्लिम हो या ना हो उसके बावजूद भी उनके दिलों में इस तरह का जज्बा औलाद के लिए हुआ करता है तो उसी को देख करके मायशा ताज्जुब में थी उनको उस खातून की याद बड़ी पसंद आई थी और उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने जब जिक्र किया तो बच्चों पर रहम करने के फजीलत क्या है अल्लाह के नबी वसल्लम बयान फरमा दिया कि इस औरत ने इस खातून ने अपने बच्चों पर रहम किया है अल्लाह ताला ने इस औरत पर इसी वजह से अपने फरमा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इन पर है और जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कोई और नहीं होती इस हदीस को थोड़ा औरतों में आम करने की ज़रूरत है ख़ास तौर तो से औरतें जब द्रा ग़ुस्से में आती हैं पटा पट पटा पटापट समझते जम के धुल देती उनको बोलो गुस्से कंट्रोल करें सबर से काम ले वो बच्चे हैं आप इन पर रहम कीजिए अल्लाह आप पर रहम करेगा इस हदीस का जो इब्तई हिस्सा है खजूर तकसीम करने तक तो उमूमन बयान किया जाता है लोगों को याद भी है कि खातून थी ऐसा वो ऐसा लेकिन इसकी वजह से उस खातून को इनाम क्या मिला उस पर निगाह कम होती अल्लाह के नमी ने क्या बयान फरमाया कि आयशा इसमें ताज्जुब की क्या बात उस औरत को इसी वजह से अल्लाह आलमीन की जानिब से ये इनाम मिला इसने अपने बच्चे पर रहम किया है अल्लाह ताली ने उस पर रहम कर दिया ये इनाम जिक्र करने की ज़रूरत कि बच्चों पर रहम करेंगे तो अल्लाह का रहम हम पर होगा इसको ज़रा सा बताने की तो ज़रूरत है बेचारी परेशान रहती हैं अल्लाह आलमीन आसानियाँ पैदा फरमाए उनके लिए तो बहरा तो ये माए रहम दिल हुआ करती हैं और ये सिर्फ़ मर... इंसानों में नहीं है बल्कि जानवरों में भी ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन उसके चंद मराहिल हुआ करते हैं फिर धीरे धीरे दिर उनके यहाँ वो चीज़ ख़त्म होने लगती है तो बहरहाल ये जज्बा अल्लाहमीन ने माओ के दिलों में रखा है कि अपनी औलाद के लिए वो तड़प उठती हैं इसी को गुदस्ता हदीस से जोड़ेंगे तो यही वो चीज़ थी जो अनसों के वालदा को ये मजबूर किया कि अल्लाह के नबी से बाकायदा खुसूसी तौर पर दरख्वा करे मेरे बच्चे के लिए कुछ कह दीजिए दुआ कर दीजिए विज्ञान बच्चों को बोसा देना या बच्चों का बोसा लेना ये आप देखिए हमारा दिन क्या क्या सिखाता है भाई औलाद है तमाम लोग बोसा देते हैं कोई ऐसे ऐसी बात तो है नहीं कि कोई नई बात है लेकिन हमारा दिन हमें ये भी सिखलाता है कि अपनी औलाद को बोसा दो कितनी बारीक चीज़ है ना यानी ये तो फितरी बात है कि भाई इंसान अपने औलाद से मोहब्बत करता है उनको उनके साथ खेलता है खिलाता है प्यार करता है एक फितरी बात है लेकिन इसको बतौर एक चैप्टर के हदीसों में जिक्र किया जा रहा है कि बच्चों को बोसा देना चाहिए और अगर हम ये सोच कर दें कि ये अल्लाह के नबी का तरीक़ा था तो इस पर तो हमें सवाब मिलना चाहिए यानी अपने औलाद से मोहब्बत भी कर रहे हैं और नेकी भी कमा रहे हैं النبي صلى الله عليه وسلم في روايته، إمام بخير مولى قال: «حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن هشام، عن أروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟» قال النبي صلى الله عليه وسلم: अवा अमलिक्ला बिक्रहश अल्लाह तरमाती हैं जा एक देहाती शख्स हैं देहा साहबी हैं अल्लाह के नबी स पास आए जब देहाती लफ् होता है तो आप इसको ऐसे बोलते हैं गैर महजब तहजीब याफ्ता नहीं थे बस बाकी में देहात में रहना कोई ऐब की बात नहीं थी दरअसल तहजीब की कमी थी उस इलाके में तो जाराबी नबी अलैहि वसल्लम एक देहाती हबी हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास आए फ़ा अ और कहा तो ना न कुम? क्या आप लोग अपने बच्चों को बोसा देते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि, कि अल्लाह के नबी सल्ह वसलम बच्चों को बोसा दे रहे हैं तो वो देख करके उन्होंने कहा कि क्या अरे आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं माह नब्बिल हूँ फमानुकबिल हूँ हम लोग तो कभी गोसा नहीं देते आज भी कुछ ऐसे हैं बेचारे सच्ची बताता हूँ कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं कि बच्चों को गोद नहीं खिलाते गोद भी नहीं लेते हो सकता है खिला बाद लोगों को होता है बच्चों को प्यार करने का तरीका नहीं मालूम रहता तो बस ठीक है सब ठीक है इतना काफी तो वो वही चीज़ थी उनको ऐसा नहीं तो इन लोगों को अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती तरीका नहीं होता वही तो मैंने कहा कि तहजीब की बात तो कहते हैं, हम लोग तो कभी वो सौसा नहीं देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना नहीं करने देना चाहिए बहुत खतरनाक बात कही है कहा अब अमल भी मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम्हारे दिल से अल्लाह ताली राहमत को छीन लिया है रहम के जज्बे को अल्लाह आलमीन ने तुम्हारे दिल से निकाल लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ पता ही चला बच्चों को बोसा देना प्यार करना ये रहम के जज्बे से हुआ करता है शफकत के जज्बे से हुआ करता है और अगर कोई नहीं देता प्यार नहीं करता तो गोया है कि उसके दिल में रहम का मादा कम है बच्चों से शफकत का जो पहलू होना चाहिए उनके दिलों में कम है هذه الهديث وزاحت أولي هذه الهديث سوف نتحدث عنها في البعض قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنها قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسد بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس

मेरी दस औलाद है माकबल तुम इन हम आहदन मैंने आज तक किसी को गुस्सा नहीं दिया दस औलाद फनादर सल्लल्लाहु रसोल सल्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं उनको घूरा उनको देखा या एक ही घूरा सॉरी आज तक नहीं की फिर मा, मल्ला यरहम लायम जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाए गुजशत रवायत में जिस का है, वो कौन है इसमें वजाहत हो गई कौन है वो अकरा बिन हाबिस और उन्होंने जुम्ना क्यों कहा था अतु नुम कि तुम लोग अपने बच्चों को बोसा देते हो इसमें वजाहत हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौजूदगी में हसन रल्लाहु को बोसा दिया था तब उन्होंने कहा कि अरे हम लोग बोसा देते हैं हम लोग तो नहीं देते है। हमारी दस औलाद हमने आज तक बोसा नहीं दिया तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीम को अजीब अपनी औलाद उनको प्यार नहीं की तो कहा कि गोया कि दिल में रहम नहीं है अब यहां से बात मालूम होती है कि औलाद से प्यार करना चाहिए उनसे मोहब्बत के इजहार करना चाहिए उनको बोसा देना चाहिए ये इंसान के अंदर जो रहमत का जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है उसका तकाजा है। अगर हमारे दिल में रहम का मादा है तब हम अपने बच्चों को बोसा देंगे प्यार करेंगे और सिर्फ बच्चे औरतें ही पालें वही देख रेख करें हम गोद ले लिए तो अच्छा नहीं लगेगा यह गलत तस्वर है ये गलत तस्वूर है कि नहीं बस आपकी जिम्मेदारी है मैं नहीं जानता आप संभालो कैसे भी संभालो नहीं हमें भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए और ये हमारे भी तो औलाद है ना बच्चे हमारे भी करीब हैं अच्छा ये भी एक चीज़ बड़ा मसला है तरबियत के पहलू से कि अगर हम अपने बच्चों को अपने से करीब नहीं करेंगे अहलिया के हवाले कर देंगे या उनकी वालदा के हवाले कर देंगे हम करीब नहीं जाएंगे तो कभी भी आप बच्चों को अपने से करीब करके आप चाहे कुछ बातें समझा लें अपने अतबार से तरबियत करें तो नहीं होने वाला और ख़ास तौर से आज के दौर में तो और वो अलग दौर था कि बाप आपने कहा ये करना है तो करना है भाई बेटा दिल करे ना करे करना है कर देता था लेकिन आज नहीं करने वाले माहौल बदल गया है गुस्से से आप नहीं करा सकते आज आप प्यार से करा सकते हैं और जब हम अपने बच्चों को अपने से दूर किए हुए हैं तो फिर अपने अतबार से सिर्फ ये कि मेरा एक काम नहीं किया ये मसला नहीं हम अपने अतबार से उनकी तरबियत नहीं कर सकते जो हम सुनते हैं फला के बच्चे ने गलत राह इख्तियार कर ली अगर आप उसके पस मंजर में जाएंगे तो लगेगा कि ये बच्चा अपने वालदे से दूर था अपने बाप से दूर था एक ही घर में रहते हुए एक साथ बैठे नहीं इन मामला ये भी है कि बाज बाप हुआ करते हैं या घर के सरबराह हुआ करते हैं घर में इतना रोग के साथ रहते हैं कि लोग उनके करीब बैठना नहीं चाहते यानी इस तरह का माहौल उन्होंने बना डाला है कि लोग उनके पास बैठने से डरते हैं कितने तो ऐसे हैं कि बाप घर में दाखिल हुआ बेटा घर से बाहर होता है जब ये सूरत हाल है तो हम कैसे उनकी तरबियत कर सकते हैं कैसे अपने एतबार से उनको ढाल सकते हैं? नहीं हो सकता है। हाँ वहां चले जाना वो चले गए ये ले आना वो दिए लेकिन साथ में बैठने की तोफीक नहीं हो पा रही है और ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन एक अजीब सा माहौल उनके दरमियान पैदा हो गया है कि एक साथ बैठते हुए झिझक महसूस हो गया बाल तो उसको फख्र के साथ बयान करते थे जब मैं बैठा रहता हूँ ना मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं बैठता फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है बैठने लगता तो जनाब उसको बरकरार रखने के लिए खुद नहीं बैठते <laughs> पहले वो नहीं बैठता था झिझक थी डर था अब वो बैठने लगा है थोड़ा तो समझ में आ गया है थोड़ा तो निडर हो गया है तो अब पुराने वाले माहौल को बरकरार रखने के लिए जनाब नहीं बैठते आप देखेंगे यकीन मिलेगा ऐसा तो बच्चों से जितना ज्यादा हम करीब होंगे उतना बेहतरीन अंदाज हम उनकी तरबियत कर सकेंगे बच्चियां आप इतना उनको करीब कर लीजिए कि अपने मसाइल वो आपसे बयान कर सके क्या हो रहा है कि दूसरों पर एतमाद या पर एतमाद नहीं यहां से वहां चल रही उसमें भी आप देखेंगे तो लगेगा कि ये इन मसाइल को अपने घर वालों से बयान नहीं कर सकी गलत रास्ते भी गई है तो क्या हुआ कम अज कम वो गलत चीज़ तो बयान करती तो वक्त से रहनुमाई मिल जाती इतना हमने उसको डरा के रखा है तो वो दर हकीकत वो एक दिन वो माहौल नहीं पैदा होता वो बचपन से कैफियत होती है कि हम उसको अपने ज्यादा करीब नहीं करते करीब करने में फायदा ये है कि एक तो ये दीन का काम है के नबीम नेबिससल तू कि तम भी फरमाई गोया कि तुम्हारे दिल में जज्बा नहीं, नहीं तो एक तो ये है दूसरा ये कि हम जब बच्चों को करीब करेंगे उनसे प्यार करेंगे तो उसकी वजह से बच्चों को हम अपने से उनकी तरबियत कर सकते हैं वरना हमारे साथ रहते हुए भी वो दूसरे के हक में मानेंगे दूसरे के रास्ते चलेंगे तोफी दे امين احاديث برب الكرن والابناء امين تقبل رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته